सर इस फिल्म में मैं नया एक्टर हूँ, काम किया, सबकी आशीर्वाद चाहता हूँ कि सब लोग दुआ दें, हम भी आगे बढ़ें। स्टार बनने का ख्वाहिश हम भी रखते हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग की दुआ चाहिए। फिल्म में खास जो मेरे रामा डायरेक्टर हैं वो मैं उनको गुरु मानता हूँ, हमेशा वही बोले कि फिल्म बनाओ, हम शुरू कर दिए, हम मकई निकाल दिए, कुर्ला में मेरा कारखाना है, वो मकई निकाल दिए। भोजपुरी हिंदी भी कर सकते हैं, हम भोजपुरी वाले हैं, भोजपुरी ही पसंद करेंगे ना, भोजपुरी से लोग स्टार बनते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आपका कैरेक्टर क्या है इस फिल्म में, कसम गंगा मैया में? मेरा कलेक्टर इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का है, टू स्टार, राज गौतम मेरे सीनियर है, मैं उनके नीचे। अभी तक क्या रेस्पॉन्स मिला आपको आपके कैरेक्टर के बारे में, लोगों ने क्या क्या कहा, आपके फैमिली या किसी के? फैमिली कुछ भी बोले, अभी जो मेरे दिल में आएगा वही काम मैं करूँगा। नहीं नहीं, कैरेक्टर आप कैसा लगा लोगों को वो मैं जानना चाहता हूँ, फैमिली का? अभी तो देखेंगे तभी समझ में आएगा ना। सर अगर आपको रिस्पांस अच्छा मिला तो आप दोबारा से मूवी करना चाहेंगे? हाँ, दोबारा से मूवी करिए, दूसरी मूवी का। अभी इसके नेक्स्ट बाद में देखेंगे, अभी तो फाइनल टाइटल रजिस्ट्रेशन कराया। सबकी ख्वाहिश होती है भाई। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह से जुड़े हैं इस फिल्म में? भाई हमारा ऐसा है कि रामा मेहरा जी हमारे भाई हैं और ज्ञानदास गुप्ता जी हमारे भाई हैं, प्रेम सिंह भी हमारे भाई हैं, जितने मीडिया वाले हैं सब हमारे भाई हैं। हम सब मिलजुल करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की और पूरा करने की कोशिश की और आज यहाँ तक पहुँच गए कि हम लोग थिएटर तक पहुँच गए हैं और आने वाले समय में हम लोग और भी मेहनत करेंगे, हिंदी भी बनाएंगे और प्रोजेक्ट तैयार भी हो गए हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग दिल से देखें, मन से देखें, तन से देखें, धन से देखें और सबका सहयोग दें, ठीक है? धन्यवाद। आप बताइए सर कि आपका कोई डायलॉग सुना दीजिए, कॉप्स वाला कोई एक डायलॉग। आपका पुलिस का डायलॉग है ना सर, इस लाइन में मैं आपको बोला नया हूँ अभी, तो आपने डायलॉग बोला रहे ना फिल्म में? कुछ भी बोल दिए ना, ठीक है, पिक्चर में जो बोला गया।